नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। प्रयागराज पुलिस ने सहिस्ता को माफिया घोषित किया। इस पर अखिलेश यादव ने बोला, नहीं माफिया नहीं है सहिस्ता, माफिया नहीं है। इस पर आम जनता क्या कहती है, ये देखने के लिए हम सड़क पे आए हैं और देखते हैं आम जनता इस पर क्या कहती है, क्या कहते हैं। सहिस्ता को एक तरफ जो है प्रयागराज पुलिस जो है माफिया घोषित करती है, वहीं अखिलेश यादव का बयान आता है कि नहीं माफिया नहीं है वो। किस तरह से आप पूरे इस बयान को देख रहे हैं? नहीं, माफिया नहीं है तो उसको सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए, सरकार सरकारी गवाह बन जाए वो, और बन करके वो अपनी बात प्रेजेंट, बातें खत्म हो गई। अगर वो किसी चोर के साथ जो सहयोगी है उसका, अगर सहयोग कर रहा है तो वो क्या कहा जाएगा उसको, आदमी स्वयं समझ ले। तो अगर वो पुलिस दबिश डालने गई, मौके पर मिली नहीं, अब नहीं मिली तो ये तो पुलिस को सर्च करना चाहिए। नहीं मिले तो उनको ढूंढे, वो तो भागेंगे। जो आपका क्या है, माफिया है या नहीं है, आपका क्या मत है? जो साथ देगा उसमें क्या कहना, उसमें बिल्कुल है वो। पुलिस किसी साक्ष्य के आधार पे तो माफिया घोषित, बिल्कुल बिल्कुल माफिया के संपत्तियों का या जो भी चीजें हैं उसका जो देख रेख वही सब कर रही है, तो हम तो करेगा ही पुलिस। और उसको सबसे बड़ी बात है, अगर उनका हाथ नहीं है या चीजें नहीं है तो उनको प्रेजेंट हो जाना चाहिए और पुलिस कस्टडी में जवाब दे दे, बातें खत्म हो जाए सब। बिल्कुल सही बात है। एक भाई साहब और हैं, आपसे बात कर लेते हैं हम। भैया क्या कहेंगे, जिस तरह से माफिया का एक जो है घोषित किया गया, अतीक की जो वाइफ है सहिस्ता, तो उनको एक तरफ माफिया घोषित किया गया और दूसरी तरफ इधर बयान आता है अखिलेश यादव का कि नहीं वो माफिया नहीं है। किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? हम क्या कह सकते हैं इस मामले में, क्या माफिया नहीं है वो, माफिया है कि नहीं? जो तो सरकार जाने है या नहीं, सरकार के तरफ से तो माफिया घोषित कर दिया गया, क्या कह सकते हैं किसी मामले में? कोई कमेंट नहीं। आपकी नज़र से क्या है सहिस्ता, क्या निर्दोष है क्या? हमें क्या पता, हम क्या कह सकते हैं उनके मामले में, हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। अच्छा, नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। हम और लोग हैं, उन आम पब्लिक की जो है राय जानना चाहते हैं और देखते हैं क्या लोग कहते हैं। आगे एक दादा देख रहे हैं, दादा से बात करेंगे। देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं बातचीत करने के लिए। भैया इस पूरे मामले को, जिस तरह से अतीक की वाइफ, हाँ वो अतीक की वाइफ है सहिस्ता, उनको प्रयागराज पुलिस माफिया घोषित कर देती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं माफिया नहीं है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? माफिया नहीं है तो क्यों छुपी है, क्यों भग रही है? ठीक, पहली बात। और अतीक से कहीं वो ज्यादा माफिया गिरी करती है वो। हाँ, सब कुछ वही रास्ता बताती थी, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या नहीं, सब साजिश वही रचती थी। साक्ष्य के आधार पे तो आखिर में माफिया घोषित किया गया है। हाँ, तो अब माफिया है ही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि माफिया नहीं है। अखिलेश जी पगला गए हैं, लग रहा है दोबारा चुनाव उनको नहीं लड़ना है, फिर ऐसा ऐसा लोगों का साथ देंगे तो फर्ज समझ लीजिए कि उनका यूपी से खत्म ही खत्मा है। अब भैया से पूछ लेते हैं, भैया क्या कहेंगे आप पूरे इस विषय पे, अतीक की जो वाइफ हैं उनको माफिया घोषित किया गया है वहाँ पे, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं नहीं माफिया नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधी होता है, अपराध के साथ साथ अपराधी को सह देने वाला, उसके परिवार में अगर उसका कोई सहयोग कर रहा, उसका कोई मित्र सहयोग कर रहा, तो वो भी अपराधी ही होता है जो है, क्योंकि अतीक अहमद का पूरा परिवार अपराधी में लिप्त है और सारे लोगों के ऊपर जो है साक्षात दिन दहाड़े गोली मारते हैं लोग चौराहे खड़े होकर के, जो है अतीक के लड़के हों चाहे अतीक के भाई रहे हों, जो है दिन दहाड़े जब हत्या हुई थी तो उस समय अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार होती तो ये लोग जाकर के शाबाशी देते थे, चूंकि इन लोगों की फंडिंग आती थी पार्टी में। ये माफिया लोग क्या करते हैं, पार्टियों को जब चुनाव होता है इन लोगों का, चुनाव में ये लोग मदद करते हैं, इनके सहयोगी होते हैं माफिया जितने होते हैं जो है। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी माफिया हैं वे सब सहयोगी हैं, सब फंडिंग करते हैं, आज उनकी फंडिंग बंद हो गई है और जो माफिया गिरी का जो इनका रोब था, दो चार जिलों में होप रहता था कि ये लोग चुनाव जिताते थे जाकर के, पूरे मुस्लिम का वोट दिलाते थे, वो आज अखिलेश यादव का बंद हो गया है, इसलिए इनको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खसक गया है, सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे जो है, इसलिए अब उनके परिवार के विषय में वो बोल रहे हैं कि परिवार कम से कम साथ रहेगा तो और लोग हमारे साथ रहेंगे जो है। बाकी इसमें अखिलेश यादव की जो है सबसे बड़ी माफियागिरी सहयोग देने के लिए उनका रोल है और बढ़ावा देते हैं, जितनी भी सरकारें आई है अभी तक अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की सरकार में, सारे माफियाओं का हमेशा सहयोग किए हैं और हमेशा ये दोनों को बढ़ावा देते हैं। देखिए तो आम जनता यहाँ पर हैं, तो किस तरह से भाई साहब से भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे इसमें,
एक तरफ जो है अतीक की वाइफ को प्रयागराज पुलिस जो है माफिया घोषित कर रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं माफिया नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, इस बात का क्या सबूत है कि साहिस्ता ने मतलब क्या कर दिया कि वो माफिया मतलब कहते हैं का दर्जा उनको दिया जा रहा है? उनके ऊपर यदि अपराध जब सिद्ध होंगे तब मतलब उनको मतलब माफिया का दर्जा मतलब दिया जा सकता है। तो एविडेंस देखा गया ना कि कुछ जो उमेश पाल हत्याकांड में जो कुछ लोग जो हैं जो हत्या किए हैं, बम से उड़ाए हैं, गोली चलाए हैं, तो उनके साथ दिख रहे हैं। वो जैसे प्लानिंग हुआ था कि ऐसे ऐसे होगा, उसके पहले की वीडियो कुछ एविडेंस सामने आए, उस आधार पे और छानबीन कर रही है पुलिस, बार बार दबिश दे रही है। तो यहाँ आम जनता कह रही है कि वो मिल क्यों नहीं रही है, दबिश दे रही है, तमाम सबूत के आधार पर उनको माफिया घोषित किया गया है। आम पब्लिक भी जान रही है और सब चीज़ सामने है। आप उस पे किस तरह से पूरा देख रहे हैं ये? सर देखिए, कहने का मतलब है कि अभी मैंने पेपर में मतलब पढ़ा कि साहिस्ता जी के ऊपर 50,000 रुपए का मतलब इनाम भी रखा गया हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूंगा यदि कोई अपराधी है तो सरकार उसको सजा दे, सरकार को मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो मिल नहीं रही है, कहाँ छुपी है ये तो मतलब कोई बता नहीं सकता है। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कोई जुर्म कर रहा है और मतलब जो मतलब गुनाह कर रहा है उसको मतलब कोर्ट मतलब सजा दे, कोर्ट सजा दे, मतलब आपके सवाल से ये कोर्ट मतलब सजा दे, क्योंकि न्यायालय मतलब बना हुआ है। अगर आम आदमी अपने फैसले लेने लगेगा तो मतलब ये कोर्ट और जो उच्च न्यायपालिका बनी हुई है, जो मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मतलब किसी ने जुर्म किया है तो उसको मतलब सजा मतलब न्यायपालिका ही दे सकती है। आम निर्णय नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना, एक तरफ उनको माफिया घोषित किया गया तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं माफिया नहीं है, तो कौन सी बात माना जाए? अखिलेश जी कह रहे हैं माफिया नहीं है, इधर जो प्रयागराज पुलिस है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं माफिया थी इसीलिए हुआ, किसकी बात माना जाए, किसके बात में ज़्यादा दम है? सर देखिए, अखिलेश आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि वो माफिया नहीं है, ये उनका अपना पब्लिक व्यू है। अगर मान लीजिए कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा, छानबीन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती तो होगी, ये मेरा अपना पब्लिक व्यू है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आम पब्लिक से बातचीत हुआ तो अपना अपना यहाँ पे इन लोगों ने विचार रखा है, और क्या इस विचार में आप भी देखेंगे कि कुछ लोग सहमत हैं तो कुछ लोग असहमत हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन जिस तरह से बार बार दबिश दी जा रही है और साहिस्ता जो हैं उस ठिकाने पे नहीं मिलती हैं, अब यहाँ पर भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं मिल रही हैं? अगर वो बेगुनाह हैं तो सामने आएँ और इस चीज़ का वो कोर्ट में हाजिर हों, या फिर पुलिस से अपनी जो बेगुनाही का तमाम सब चीज़ें लोग जो हैं अपने अपने बयान में कह रहे हैं कि इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में क्या तय होता है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से अंकित के साथ राजन सिंह, GK24x7 न्यूज़।